लगता है हमें 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। What? दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है इनका संस्कृति। इनका संस्कृति के लोग जीवित शरीर में से आत्मा को अलग करके उसे भूतकाल में भेजने की विधा को जानते थे। काइंड ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। मैं इस विधा को जानता तो जरूर हूं पर कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। माँ की कोख में तो बच्चा पानी में सांस ले सकता है लेकिन पैदा होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। Why? He can breathe in water at that point in time because he is between body and soul. धातु के तीन रूप होते हैं, हवा, वायु यानी कि आत्मा, ठोस सॉलिड मतलब शरीर, और तरल पानी। आत्मा और शरीर के बीच इस विधा की मदद से और पानी के जरिए आत्माओं की दुनिया में जाना मुमकिन है। और पानी में तो सांस नहीं ले सकते। वन ब्रेथ, ओनली वन ब्रेथ। इस विधा में इंसान सिर्फ उतनी देर तक भूतकाल में जा सकता है जितनी देर तक वो अपनी सांस रोक सके। वन चांस, वन ब्रेथ। I'm ready. रेडी? तैरना तो आता नहीं है, पानी में जाने की बात कर रहा है। 10 सेकंड भी सांस नहीं रोक पाएगा तू? मुझे जाने दे। नहीं शुभ, आई कांट रिस्क योर लाइफ। हाँ लो, अब बोल रहा है। उस रूह से मेरी जान पहचान कराने के बाद। He's right, अमन। जितना ज्यादा समय हमें पानी के अंदर मिलेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा। Let's go. Don't worry, I'm here. जितनी जल्दी हो सके उस आत्मा को ढूंढने की कोशिश करना। पर इतने सारे कैदियों में मैं उसे पहचानूंगा कैसे? इस क्रिस्टल के जरिए। इससे तुम्हें सिर्फ औरतों के साए नजर आएंगे, उनके चेहरे, उनके नाम, जो भी देखना उसे याद रखने की कोशिश करना।
रहा है। कोई नहीं, रू है वो, निकल वहां से। For God's sake, do something! Okay, Shubh.